मम्मी आप दवा समय से खाया करो, डॉक्टर ने बोला है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे राधा, जो नसीब में होगा वो तो होगा ही, दवा तो मैं कर ही रही हूँ। मम्मी मैं कहती हूँ आपको शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि गांव के झोला छाप डॉक्टर सिर्फ दर्द की दवा देते हैं, मर्ज की नहीं। अरे बहू, अपने पास इतना पैसा कहाँ है कि शहर के अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दिखा सके। अच्छा ये बताओ, मेरा लाडला कहाँ है? लाडला? अगर तुम लोगों ने मुझे दारू पीने की शिक्षा न दी होती तो जीवन का इतना बड़ा आनंद मैं न ले पाता। अरे सुजीत, मुझे भी कोई दारू पीने के लिए सिखाया था, इसलिए मैं भी दारू पीने के लिए सिखा रहा हूं। लोग कहते हैं कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। अरे सुजीत भाई, गांव के सारे लड़कों को यही दारू पीना सिखाए हैं, पहले खुद के पैसे से दारू पिलाते हैं और फिर दारू की लत लगने के बाद जीवन भर उसी के पैसे से दारू पीते रहते हैं। कुछ भी हो, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा मैं नहीं हूँ, अच्छा तो सुजीत है, जो 5 साल से अपने पैसों से हमें दारू पिला रहा है। बोलो सुजीत भैया की जय। हेलो, राधा, राधा क्या पढ़ रही हो? भाभी कल मैथ का एग्जाम है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। राधा तुम्हारे मोबाइल पर किसी का फोन आया था, मैं उठा कर बोली लेकिन आवाज नहीं आई और फोन कट गया। देखे तो भाभी किसका फोन आया था? जो देखो देखो ना भाभी, मैं आपसे बताने ही वाली थी कि मुझे रोज एक लड़का बार बार फोन करके परेशान करता है। देखो राधा, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया दारू पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, उन्हें अपने घर परिवार में कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन तुम कोई ऐसा काम मत कर देना कि हमारा जीना मुश्किल हो जाए। नहीं भाभी, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए।
आइए डॉक्टर साहब आइए। आप तबीयत कैसी है चाची? तबीयत तो डॉक्टर साहब बहुत ही खराब है। जो दवा दिए थे उससे आराम नहीं हुआ का? उससे कोई आराम नहीं हुआ। रुको अभी चेक कर लेते हैं। नाम भी सांस लीजिए। और मुंह खोल के सांस लीजिए, लंबा सांस। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, अभी हम इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब सुई मत लगाना, सुई से हमको बहुत डर लगता है। अरे सुई लगाएंगे जल्दी आराम हो जाएगा, दवा दिए थे आराम नहीं हुआ, सुई तो लगाना पड़ेगा। कोई ऐसी इंजेक्शन लगाइए कि हम चलने फिरने के लायक हो जाएं। ठीक है। थोड़ा हाथ दीजिए। अब आराम हो जाएगा। इंजेक्शन तो हम लगा दिए हैं, ये एक दवा लिख देते हैं, मार्केट से आप लोग मंगा लीजिएगा। डॉक्टर साहब अच्छी दवा दीजिएगा ताकि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है तो हम चल रहे हैं। नमस्ते चाची। राधा इसमें तो दवा नहीं लिखी है। तो फिर क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि आप दोनों आकर मुझसे मिलें। ऐसा क्यों? डॉक्टर आपने क्यों बुलाया था?